जब आप कोई ऐसा वीडियो देख रहे हो जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, उसके बीच में ब्रेक। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। ये 19 साल का तप है, ये 6935 दिनों की कड़ी मेहनत है, ये विमान मेड इन इंडिया है और पूरी तरह से स्वदेशी है। जेट एयरवेज के पायलट रह चुके अमोल यादव ने 19 साल की मेहनत से इस एयरक्राफ्ट TS-003 को बनाया। ये विमान इनके दृढ़ शक्ति और मजबूत हौसलों की पहचान है, जो कि आर्थिक संकटों के बावजूद हिला नहीं। वैसे तो अमोल ने साल 2011 में एयरक्राफ्ट को तैयार कर लिया था, पर इसे उड़ाने की इजाजत अब मिली है। दो दिन पहले ही DGCA ने अमोल यादव के इस 6-सीटर विमान को स्पेशल परमिट टू फ्लाई सर्टिफिकेट दिया है, जिसके बाद उनका ये विमान अब उड़ान भरने और टेस्ट के लिए तैयार है। ऐसा पहली बार हुआ है जब देश में किसी व्यक्ति को ये स्पेशल परमिट मिला हो। 19 साल की मेहनत के बाद 6-सीटर स्वदेशी प्रायोगिक विमान बनाने वाले कैप्टन अमोल यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद उन्होंने क्या कहा, जरा सुन लीजिए। बहुत ही अनपेक्षित था उनका सवाल। जब मैं अंदर गया तो खुद उठ के बाहर आए और उन्होंने पूछा मुझसे कि हो गया आपका सपना पूरा। तो ये बहुत ही अनपेक्षित सवाल था मेरे लिए, लेकिन काफ़ी जानकारी रखते थे वो प्रोजेक्ट के बारे में। उन्होंने खुद ही पूछा कि जहाज धुलिया में रखा है, तो मैंने उनसे कहा कि सर काफ़ी जानकारी है आपको। तो उन्होंने कहा कि तेरी जानकारी रखनी पड़ती है। सो ही इज़ वेरी यू नो काइंड पर्सन एंड आई एम रियली, मुझे बहुत खुशी हुई उनसे मिलके। उन्होंने काफ़ी सारे सवाल पूछे प्रोजेक्ट के बारे में। आगे टेस्टिंग होने के बाद उन्होंने कहा है कि पूरा सहयोग देंगे आगे जो भी काम करना है मुझे, और काफ़ी खुश हूँ उसके लिए। तो सपना पूरा हुआ क्या, एक्जैक्टली क्या सपना था और उसके बारे में क्या बताएंगे? मैं पिछले 19 साल से इस जहाज के बनाने के पीछे पड़ा हूँ, और DGCA ने काफ़ी देर करवा दी उसके रजिस्ट्रेशन के लिए और परमिशन के बारे में। तो मेरा स्ट्रगल काफ़ी दिनों से चालू था, जो मीडिया में काफ़ी बार इसके बारे में चर्चा हुई थी। तो उन्होंने वही क्वेश्चन पूछा था कि हो गया आपका सपना पूरा, कि फाइनली DGCA ने एक स्पेशल फ्लाइट परमिट दिया है अपने को। और ये बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि भारत ने सब पहली बार स्पेशल फ्लाइट परमिट इशू किया है किसी भी इंडियन सिविल एयरप्लेन में। भारत सरकार ने अमोल की इस उपलब्धि के बाद उनकी कंपनी के साथ 3500 करोड़ रुपए का MOU भी किया है, जिससे उनके इस हुनर को सरकार देश हित में इस्तेमाल भी कर सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।